से जो नजारा दिख रहा है हिमालय में हवाई खाने आए थे। ताजमहल इसको देख के बनाया गया। सीढ़ियां ना बहुत ऊंची ऊंची है, लोग इतिहास भर के अंदर जाते हैं। हमने पहले देख सकते हैं, मैंने कहा उस टाइम पे भी जो इंजीनियर्स कह रही थी दिल्ली में अगर लोगों को सांस लेनी, एक गैलरी ये है और एक एक डोर के बाद क्या दूसरे डोर के बाद की प्यारी आवाज आ रही है ना, अलग अलग टाइप के लोग मुझे देखा वहाँ पे ऑलरेडी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं और मेरा भाई आए हैं हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करने, जिसका नाम है हुमायूं टॉम्ब। और अभी हम आ रखे हैं और बहुत अच्छा मौसम, मतलब इस टाइम पे हो गया, अदरवाइज हमें लग रहा था धूप रहेगी तो कैसे घूमेंगे। एंड काफ़ी क्राउड है आज क्योंकि संडे भी है, और मुझे ये जगह एक्सप्लोर करनी थी। मैंने अभी तक एक ही जगह, एक दो जगह बस बाहर से देखी, अभी अंदर जाके हिस्टोरिकल प्लेस को कवर नहीं किया है। सो आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये जगह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा, उसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरोप आर्मी का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। एंट्री ले लिया है, यहाँ के एंट्री का जो प्राइस है, टिकट प्राइस है 40 रुपीज पर पर्सन जो इंडियंस हैं, और जो भैया फॉरनर्स हैं उनका 600 ना, 600 था उनका। और काफ़ी यहाँ पे मतलब जो फॉरनर्स आ रखे हैं, टूरिस्ट आ रखे हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। सो हम भी अब अंदर एंट्री ले लिए हैं। बहुत सुंदर मौसम हो गया यार, लुक एट द मौसम, अच्छा हो गया मतलब घूमने लायक। सो चलते हैं, नीचे ही जा रहे हैं तो हम भी नीचे जा रहे हैं। सब जहाँ जा रहे हैं वही जा रहे हैं हम भी। वैसे तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है ग्रीनरी है ना, बहुत सुंदर, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है ये जगह, ओपन गार्डन जैसा, कितना अच्छा लग रहा है मतलब यार। और ये देखो कबूतर जा, चिड़िया जा, सब यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। और आधी पब्लिक जा रही है, आधी पब्लिक आ रही है। इस टाइम पे मौसम सच में बहुत अच्छा हो गया घूमने लायक। और इधर भी हम जाएंगे, पहले इधर की साइड जा रहे हैं। सो लेट्स गो। एक ये मेन द्वार से हमने एंट्री तो कर ली है गेट से, अब अंदर एक दो और भी आगे गेट्स दिख रहे हैं, पता नहीं कितने यहाँ पे होंगे। ये द्वार बनाए गए हैं, दरवाज़ा और काफ़ी चलने को है, मतलब ओपन स्पेस काफ़ी है। इधर भी रास्ता है, कोई इधर है कोई उधर है, तो हर जगह घूम रहे लोग, सही है ना ना। सो यहाँ पे ना रील्स वगैरह सब मज़े से वो बना रहे भाई, सही है, इस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट कुछ ऐसा ना करे कभी कि जिस वजह से मना हो जाए। यार यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है हुमायूं टॉम्ब का, बहुत सुंदर। और यहीं से सब लोग फोटोज और वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा कवर होगा। और हम भी चलते हैं। ओ वाह, और हाँ ताजमहल, ताजमहल इसको देख के बनाया गया था, इसके स्ट्रक्चर को और इसके लुक को देख के, आर्किटेक्चर लुक को देख के ताजमहल को बनाया गया। और यहाँ पे ना ये देखो, ये रेड सैंड है, हाँ ये हमने देखा ही नहीं, नोटिस नहीं किया। अब नोटिस किया, रेड सैंड है। एंड इस टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो आराम से लोग घूम रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं एंड वहाँ पे भी चढ़ रहे हुए हैं लोग। वाह सही है, पेड़ देख कितनी हरियाली, वाह। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि फोटोज वगैरह खिंचा लूँ, भैया कह रहा है जल्दी जल्दी घूम ले तो दूसरी जगह जाएंगे। ये देखो मेरा भाई कैसा खड़ा है मेरे लिए वेट कर रहा है, क्योंकि मैं फोटोज और वीडियोस यहाँ पे ले रही हूँ और आराम से घूमूंगी मैं तो। देखो सब लोग यही कर रहे हैं, भाई तुम्हें हो रखी जल्दी जल्दी घूमो, और मुझे हो रखा है आराम से इत्मीनान से हर चीज देखेंगे। कैसा लग रहा है पहले बता दो तो। अच्छा चेहरे में लग नहीं रहा, लेकिन जल्दी घूमो यार, आराम से घूमेंगे तभी तो मजा है। यहाँ पे देखो ये सैंड रेड रेड है, यहाँ पे आई थिंक ये पानी का कुछ करेंगे इन फ्यूचर, मुझे लगता है यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह करा जाएगा, है ना भैया? फाउंटेन्स के लिए करा है ना ये पूरा बनाया है, अभी तो फिलहाल नहीं है। लेट्स सी, अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या हमें वहां से क्या व्यू देखने को मिलेगा ना भैया। यहाँ से बस सीढ़ी है, मुझे लगता है बस वहाँ पे वैसे जाने का है, अंदर भी है। सुबह सब सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं, लगभग 15 या 20 सीढ़ियाँ होंगी, काउंट नहीं करी, लेकिन थोड़ी ऊंची ऊंची थी तो थोड़ी उस वजह से सांस फूल गई। अब हम ऊपर आए, सब लोग जैसे ऊपर आए हम भी ऊपर आ गए, और यहाँ से अब आपको व्यू दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं। और अंदर भी है ना जाने का भैया, तो अंदर भी चलते हैं। ऐसा
यहाँ का क्राउड है आज संडे के दिन, फिर भी इतना नहीं है मतलब कि घूम ना पाओ, और स्पेशियस बहुत है मतलब फैला हुआ है, तो आराम से घूम ले रहे हैं। ये एंट्री यहाँ से चलता है। सो अंदर से हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर कितनी रोशनी लग रही है ना भैया, अंदर काफी वो है मतलब क्या बोलते हैं कि डार्क है, डोर के वजह से जालीदार डोर टाइप के हैं वो छोटे छोटे विंडो टाइप के, उससे रोशनी जा रही है, अदरवाइज काफी डार्क है, तो थोड़ा आई थिंक बंद भी जल्दी हो जाता होगा, 6:30 बजे तक इसका लास्ट टाइमिंग होता होगा, मैं बंद करने का टाइम होता होगा क्योंकि रात में बहुत डरावना यहाँ का नजारा हो जाता होगा। सो यह सब लोग यहाँ पे फोटोज और वीडियोज बना रहे हैं, और अब यहाँ से जो ऊपर से नजारा दिखता है ना, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। मजा आ रही है दोस्तों यहाँ पर, हवा हवा ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं हम लोग, हमने हवाई खाने आए थे भाई और मैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे मतलब ऊपर भी वॉक करके। अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे, थोड़ा सा आपको नीचे का जो ग्राउंड है गार्डन है वो दिखाएंगे, और तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं, कृपया रेलिंग से दूर रहें वरना आप फॉल डाउन हो सकते हैं, फिर कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। सो अब हम थोड़ा बैक साइड आए हैं हुमायूं टॉम के बैक साइड में, और बस ये नज़ारा है यहाँ का। आ रहे हो तरफ से इधर क्या, अच्छा इधर से भी अंदर जाने का रास्ता है, इधर से भी है, उधर से भी है, इधर से भी लोग झांक रहे हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये, ओ इसमें सिक्के फेंके गए हैं, कॉइन्स फेंके गए हैं, यार पता नहीं दिखेगा कि नहीं आप लोगों को, दिखाती हूँ, आप दिख रहे होंगे आपको कॉइन्स, ये कॉइन्स डाले हुए हैं इस पे। सीढ़ियां ना बहुत ऊंची ऊंची है यार, एक तारक में भी दर्द झटका पड़ता है, हाँ नीज में आपको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चलते हैं। सो अब हम लोग नीचे आ गए हैं, और नीचे भी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं क्या है आसपास। मैं सोच रही थी ऊपर से कि आम के पेड़ है क्या, आम के पेड़ है कि नहीं, नीचे आ गए हैं अब, थोड़ा इधर के साइड जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही सोच रहे थे यहाँ पे पानी और फाउंटेन वाला सिस्टम हो जाता तो और भी इस जगह की जो ब्यूटी है और बढ़ जाती, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, और बहुत अलग अलग टाइप के लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं, मतलब फॉरनर्स दिख रहे हैं मुझे। हुमायूं टॉम के लेफ्ट साइड आए हैं, और यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर है इतना सुंदर दिख रहा है, डिजाइन पैटर्न बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो ये देख सकते हैं क्या नज़ारा यार, और बादल और ये हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स लाइक अ बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं कह रही हूँ इस वक्त लग रहा है ये, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, भैया बैठ गया है, भैया भी आनंद ले रहा है आराम से बैठ के, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली में भी अगर आपको सांस लेना हो तो आप ऐसी जगह में आ सकते हो, आपको थोड़ा पीसफुल लगेगा। उस टाइम पे भी इंजीनियर्स काफी तगड़े थे, है ना, देखो मेरा भाई है सिविल इंजीनियर तो यहाँ से लेटे लेटे यहाँ का स्ट्रक्चर ही देख रहा है, वो कह रहा है कितना सुंदर इसको बनाया गया, मैंने कहा उस टाइम पे भी जो इंजीनियर्स थे देखो कितना सुंदर काम करते थे, और इसी को देख के मैंने जब इसके बारे में थोड़ा जाना तो ताजमहल इसी को देख के बनाया गया था, सो वो भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही दिखता होगा, अब मौका मिलेगा तो आगरा भी जाऊंगी और ताजमहल भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो अभी भी लोग आ रहे हैं, एंट्री अभी ओपन है, 5 o'clock से ज्यादा हो गया है, कह रही थी दिल्ली में अगर लोगों को सांस लेनी हो तो ऐसी जगह पे आ सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे, ये पेड़ देखो हाँ उधर की साइड गीला, जब ऐसी जगह पे लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत भी पता चलता है तो थोड़ा तो मतलब ये होता है ना नॉलेज मिल जाती है, एक्सक्यूज मी, हाँ सो मेरे को भी मतलब इस जगह के बारे में इतना नहीं पता है, बट मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा जाना, तो वही चीज़ है कि जब तक आप जानोगे नहीं किसी जगह के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में तो आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो मेरा कहने का सेंस है कि अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं एटलीस्ट यहाँ पर आए हैं घूमने के पर्पज़ से आए हैं तो थोड़ा बहुत भी उनको पता चल रहा होगा तो अच्छी बात है ये। यहाँ पर ना चिड़िया की आवाज़ आ रही है, इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना, ये देखो सुबह सुबह यहाँ पे आ जाओ जितने बजे भी खुलता है और यहाँ पे मेडिटेशन करोगे तो कितना रिलैक्स फील होगा यार, बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल अराउंड इसके देख लो, मतलब ये जो एरिया दिखा रही हूँ यहाँ पे पूरे पेड़ से ये घिरा हुआ एरिया है, एंड चिड़ियाओं की चुच 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 चहचहाट,
मतलब बहुत सुंदर ये प्लेस ना, फोटोजेनिक प्लेस है। हमने आज इतनी फोटोज खिंचाई है ना, पहली बार मैंने भाई ने इतनी फोटोज खिंचाई है यहाँ पर आके। इतनी भी नहीं खिंचाई है लेकिन 10 फोटो में 2-3 ही मतलब फोटोज आप सभी को पता अच्छी आती है, लेकिन आज हमने खूब फोटोज यहाँ पे ली है। और अब हमें एक और पेड़ दिख गया जिसके सामने हम लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी आज क्या हो रहा है, 2-3 बार लुढ़कते लुढ़कते बची हुआ भाई, पत्थर है यहाँ पे बीच बीच में जिससे लुढ़क जा रहे हैं हम लोग, गिर जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पेड़ बताने वाली थी ना, वो ये पेड़ है जहाँ पे सब लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। अब आराम से नीचे देखते देखते चलेंगे। तो अभी हम लोग साउथ गेट की तरफ आया और यहाँ के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिखा देती हूँ, सो आप लोग पढ़ लीजिए बस। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैंने दिल्ली का ये मेरा पहला हिस्टोरिकल प्लेस था जो मैंने कवर किया और काफ़ी अच्छा लगा। जब पुणे गई थी तो पुणे में भी किया था, लखनऊ के तो ऑफकोर्स मैंने सारे कर ही रखे। तो धीरे धीरे कर हर स्टेट में जाऊंगी, हर शहर में जाऊंगी, सिटी में जाऊंगी और जो भी वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो आप तक पहुँचाऊँगी। बस उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। लाइक करिएगा अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, शेयर करिएगा अगर पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड आप बहुत अच्छे हो मुझे पता है, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों हमने एंट्री डायरेक्ट पहले अंदर के लिए ले ली थी हुमायूं टॉम के लिए, लेकिन यहाँ पे एक पूरा गैलरी टाइप का बना रखा है, म्यूजियम टाइप का, जहाँ पे सारा बताया गया है। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। यहाँ पे आप आते हो तो आपको सारी जानकारी यहाँ के लिए यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। एक गैलरी ये है और एक गैलरी ये सामने है, हमने शुरुआत में ही देखा था पर मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो ये दो गैलरी बना है यहाँ पर, जहाँ पे आपको इस जगह के बारे में आराम से पता चल जाएगा। और अब सराई गेटवे चलते हैं। हमारा हिसाब थोड़ा उल्टा हो गया लोग इतिहास भर के अंदर जाते हैं, हम लोग पहले ही अंदर चले गए थे। जब हम एंटर कर रहे थे ना, एक के बाद एक गेट आ रहे थे, तो हम लोग लाइक हो गया था, एक होता है ना कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था कि क्या है, मतलब एक डोर के बाद क्या है, दूसरे डोर के बाद क्या है। सो हम लोग इसी तरह से चलते चले गए और फिर हमने देखा भी था जहाँ पे मतलब हिस्ट्री आकर लगा था, लेकिन फिर भूल ही गए। और अब हम आए हैं, कौन सा था भैया, अरब क्या था, मैं भूल गई, हाँ अरब सराही गेटवे। सो ये भी पूरा गार्डन टाइप का है, ये सामने है, इसके अंदर भी कुछ है क्या, ये है शायद से। यहाँ से निकल ही रहे थे कि भैया ने कहा थोड़ा इधर आ जा, इधर के साइड कुछ दिख रहा है, तो मैं वही जा रही हूँ उसके साइड। और ये सामने जा रहा है, ये जो आपको दरवाजा दिख रहा है ना छोटा सा, उस साइड जाना है। क्या है मेरे भाई, ओ यहाँ थोड़ा ठंडा लग रहा है, कितनी पुरानी दीवारें वगैरह हैं ये, है उधर की तरफ। अच्छा भाई ऊपर जाना कैसे, लेकिन मेरी हाइट तो छोटी पड़ी, किधर से, इधर से, ये उधर से ज्वाइन हो जाते क्या आगे चल के। अच्छा इधर से इसके एंट्री, वो हम पीछे से आए थे ना, हमें कुछ दिखा नहीं था, लोग उधर से भी तो आ ही रहे। लेकिन मुझे लगता है भारी बाहर से अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो दरवाजे वगैरह भी बंद हो रखे हैं। एंड हमें अपनी नेक्स्ट लोकेशन में जाना है, सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सो चलते हैं। इतने प्यारे प्यारे डॉग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, ये देखो सारे एक ही शेड के, ब्राउनी ब्राउनी ब्राउनी, इधर वाइट ही भी है, सो क्यूट यार। दोस्तों यहाँ पे एक ईसा टॉम भी है, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इसका प्रोनंसिएशन कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा ना, सस्पेंस यार, मतलब एक के बाद एक चीज़ देखने को मिल रही है, हमें लगा बस इतना ही है लेकिन नहीं, फिर दूसरी चीज़ देखने को मिल जा रही है, जस्ट मेरे ये पीछे ही है। और ये भी बहुत सुंदर इसको बनाया गया है, और इधर के साइड भी ये है। सो टॉम भी है यहाँ पे, सारे देखने को आपको मिलेंगे। और हर जगह का अपना इतिहास है और बाहर लिखा हुआ है इस जगह के बारे में भी, सो ये भी बहुत अच्छा है, सुंदर बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है, जो उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल है। अब बताए जब स्कूल डेज में हमारा जब पहली बार हिस्ट्री ज्वाइन करा गया था, मतलब सब्जेक्ट ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे मुझे वो हंसी आती है वो याद करके, पूरा क्लास फेल हुआ था, आई थिंक एक बच्चा पास हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट जोड़ा गया था जिसको मतलब बिल्कुल किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था उस सब्जेक्ट में,
तो उस टाइम पे पूरा क्लास फेल हुआ था। तो कभी भी मतलब हिस्ट्री के बारे में मतलब जैसे बात होती है तो मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं जगह जाती हूँ, नई जगह जाती हूँ, वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाती हूँ, शहर घूमती हूँ, स्टेट घूमती हूँ, जैसे अब मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। सो जब आप कुछ चीज़ सामने देखते हो ना प्रैक्टिकल वे में, तो ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। बुकिश वाली आपको नॉलेज तो देंगे, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, लेकिन आप उस जगह पे जाके फिजिकली वो चीज़ देखते हो ना, तो बहुत अच्छे से मन में और दिमाग में बैठ जाती है। इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना होगा। आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मैं जितना भी पॉसिबल है मेरे से दिल्ली का मैं कवर करी हूँ, मार्केट कवर करी हूँ, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर करी हूँ, फूड कवर करी हूँ, जितना भी मैं कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो उसके लिए आपको सबको पता है कि क्या करना है, सपोर्ट करना है, ढेर सारा प्यार दिखाना है दिल्ली के व्लॉग्स में। जहाँ भी जा रही हूँ मैं, सारे व्लॉग्स में आपको सपोर्ट और प्यार करना है, और फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाऊँगी। तो चलिए, ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा, उसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।